सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बीटामेथासोन तथा नियोमाइसिन, इन दोनों दवाओं की कॉम्बिनेशन की क्रीम के बारे में सीखेंगे, जिसे आप में से कई दोस्त बेटनोवेट एन क्रीम के नाम से जानते हैं। और हो सकता है कई दोस्तों ने इसका प्रयोग फेस को गोरा करने के लिए तथा फेस का ग्लो बढ़ाने के लिए किया हो, लेकिन क्या आप जानते हैं इस क्रीम का प्रयोग फेस का गोरा करने के लिए तथा इसका ग्लो बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? यदि आप इसका प्रयोग इस यूज़ के लिए करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आपको कर सकती है? वास्तविक में बीटामेथासोन एन जो क्रीम है, इसका क्या क्या यूज़ रहता है, कौन कौन पेशेंट इसको लगा सकते हैं, बेटनोवेट एन क्रीम के अलावा क्या नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और किस तरह से इसको लगाना चाहिए, ये जो सवाल और इसके अलावा भी अन्य सवालों के जवाब भी इस वीडियो में आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में मिल सके। साथ ही वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। बेटनोवेट एन क्रीम आपको इस नाम के अलावा मेडिकल स्टोर पे कई अन्य नामों से मिल जाती है, जिसे हम ब्रांड नेम कहते हैं, जैसे कि बेटजी एन क्रीम, बेटसेट एन क्रीम, बेटमो एन क्रीम और भी कई अन्य दवाइयां आपको मिल जाएगी जो एक ही जगह दूसरी ली जा सकती है। अब बेटनोवेट एन क्रीम में जैसा कि आपको पता है बीटामेथासोन जो कि 0.1% वेट बाय वेट तथा नियोमाइसिन 0.5% वेट बाय वेट की स्ट्रेंथ में मिलाई जाता है। अगर इसके यूज़ की बात की जाए किन किन बीमारियों में इस दवा का प्रयोग लिया जाता है, तो स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस क्रीम का प्रयोग लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अर्टिकेरिया नाम की बीमारी हो गई हो, जिसे सामान्य भाषा में हम खुजली कहते हैं, इस स्थिति में व्यक्ति को स्किन पर रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और खुजली चलती है, तब यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा सोराइसिस नाम की बीमारी है, जिसमें व्यक्ति को रेड या वाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं, उसमें भी रेडनेस और इन्फ्लामेशन स्किन पर रहता है, साथ ही खुजली भी बहुत ज़्यादा चलती है और ये हो सकता है आपको कई बार सिर में या बॉडी के किसी और पार्ट में भी हो जाए, तब भी ये जो क्रीम है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। डर्मेटाइटिस नाम की बीमारी, जिसमें स्किन पे आपको स्वेलिंग हो जाएगी, खुजली और रेडनेस चलेगी, जो भी दोस्तों इन्फ्लामेशन की डिजीज है स्किन की, उन सभी में इसका प्रयोग लिया जाता है। इसके अलावा इंसेक्ट बाइट यदि किसी व्यक्ति को हो गया है, मतलब कोई पेशेंट है जिसको कम जहरीले कीड़े ने काट लिया और जिस कारण से ब्लिस्टर या रेसस स्किन पे हो गए, तब भी बेटनोवेट एन क्रीम डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और हो सकता है दोस्तों जो मैंने यूज़ बताए हैं, इसके अलावा डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अदर स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका प्रयोग ले। दोस्तों अब हम जान लेते हैं क्या इस क्रीम का प्रयोग गोरेपन के लिए, फेस को गोरा करने के लिए, ग्लो करने के लिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसको मैं पूरी डिटेल में आपको बता दूं। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में जाना था, इस क्रीम में बीटामेथासोन दवा मिलाई जाती है जो कि एक स्टेरॉइड है, और किसी भी प्रकार के स्टेरॉइड को जब हम स्किन पर टॉपिकल यूज लेते हैं तो वहाँ पर स्किन का कलर लाइट हो जाता है, और इसी कारण से इस दवा का जो प्रयोग है गोरेपन के लिए किया जाता है। साथ ही इसमें जो नियोमाइसिन है वो एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है। जब स्किन पे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तो वो मुरझाई हुई सी लगने लग जाती है, तब ये दवा और तथा बीटामेथासोन जो कॉम्बिनेशन की ये दवा है, जब आप लगाते हैं तो आपको रिजल्ट में गोरापन तथा ग्लोनेस स्किन पे आपको मिल जाती है। और जब भी इस क्रीम का प्रयोग गोरेपन के लिए किया जाता है और स्किन को ग्लो करने के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग लंबे समय तक किया जाता है, और उस कारण से व्यक्ति को जिस पर्टिकुलर जगह पर बेटनोवेट एन क्रीम लगाई जाती है वहाँ पर बाल उगने लग जाते हैं, व्यक्ति की स्किन लटक जाती है, स्किन पतली पड़ जाती है और कई बार स्किन छिलने भी लग जाती है, और ये सभी है स्टेरॉइड के लंबे यूज करने के कारण प्रॉब्लम्स होती है। और जब ये प्रॉब्लम आपको होना शुरू हो जाती है तो औसतन 3 से 4 साल लग जाते हैं प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लेके ठीक करने में। इसी कारण से दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा बेटनोवेट एन क्रीम या किसी भी स्टेरॉइड क्रीम को एज ए फेयरनेस क्रीम आप यूज़ नहीं लें, आपको घातक दुष्परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, और हो सकता है जो आपकी एज है आपके चेहरे से 10 साल ज़्यादा लगे, तो आप ये ध्यान रखें किसी प्रकार की स्टेरॉइड क्रीम का प्रयोग फेयरनेस तथा ग्लो के लिए नहीं करना है। कई दोस्त मुझे पूछते हैं क्या इस क्रीम का प्रयोग एक्ने के लिए किया जा सकता है, तो दोस्तों एक्ने जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन द्वारा होता है उसमें बेटनोवेट एन क्रीम प्रयोग लाई जा सकती है, क्योंकि जिसमें नियोमाइसिन एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है तो उसको ठीक कर देता है। लेकिन यह किस प्रकार के एक्ने पर लगाया जाता है आप इसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो डॉक्टर की सलाह पर ही एक्ने के लिए इस क्रीम का प्रयोग लें। दोस्तों ये कंप्लीट यूज़ मैंने आपको बता दिए हैं, अब हम जान लेते हैं दोस्तों इस क्रीम को
कौन कौन व्यक्ति नहीं लगा सकता और कौन सी कंडीशन में नहीं लगाना चाहिए, और यदि जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ इससे आप पीड़ित हैं या परेशान हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा तो वो अपने तरीके से आपको क्रीम लगाने के लिए बोलेंगे। यदि कोई व्यक्ति है जो स्टेरॉइड किसी भी स्टेरॉइड से या बेटामेथासोन या नियोमाइसिन से एलर्जी को, तो उसे यह क्रीम लगानी नहीं चाहिए। कोई बच्चा है जिसकी उम्र 2 साल से छोटी है, उसे यह क्रीम नहीं लगानी चाहिए। किसी को नाक के पास में या मुंह के पास में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तब भी ये क्रीम नहीं लगानी चाहिए। कोई पेशेंट है जिसको एनल या जो प्राइवेट पार्ट है जननांग है वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई हो तब भी नहीं लगानी चाहिए, और बहुत आवश्यक हो तो डॉक्टर की सलाह पे ही लगानी चाहिए। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन जैसे कोल्ड सोर, हर्पीज या चिकन पॉक्स हो या किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, यदि उस जगह पर आप इस क्रीम को लगा लेते हैं तो आपको वो जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इस कारण से इन जगहों पर भी इस क्रीम का प्रयोग नहीं करें। और यदि किसी भी प्रकार की आपको स्किन रिलेटेड समस्या हो या कोई मेडिसिन आपको चल रही हो तो अपने डॉक्टर से जरूर से सही करें, जिससे कि प्रॉपर जो क्रीम है, जो ट्रीटमेंट है आपको दिया जा सके, किसी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों वीडियो के आगे के पार्ट में जानते हैं बेटनोवेट एन क्रीम जो बीटामेथासोन तथा नियोमाइसिन का कॉम्बिनेशन है, इसके यदि किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट होते हैं तो क्या होते हैं। सामान्यतः फर्स्ट एप्लीकेशन में इसका साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, फिर भी यदि किसी व्यक्ति को होता है तो उसमें व्यक्ति को रेडनेस होना और इरिटेशन होना ये हो सकते हैं। साथ ही जो ईचिंग है व्यक्ति को, जो खुजली है जिसके लिए हमने इसका यूज़ लिया है, वो बढ़ सकती है, सूजन बढ़ सकती है। और लॉन्ग टर्म इसको यूज़ लेने पर जैसा कि हमने बताया था, जिस जगह पर इसका प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर बाल उग सकते हैं, स्किन पतली हो सकती है, मुँह पर लगाए तो पफी फेस व्यक्ति का हो सकता है और स्किन छिलने भी लग सकती है। ये कुछ समस्याएं आपको लॉन्ग टर्म यूज़ में देखने के लिए मिल सकती है। ये या इसके अलावा भी दूसरे डिफेक्ट मिले तो तुरंत इस क्रीम का यूज बंद करें, अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। फ्यूचर में इस क्रीम का प्रयोग नहीं करें, ना ही किसी दूसरी स्टेरॉइड क्रीम का प्रयोग लें। दोस्तों अब वीडियो क्लास में जान लेते हैं बेटनोवेट एन क्रीम को किस तरह से लगाया जाता है, कितने दिनों तक लगाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था, जो ये क्रीम है स्टेरॉइड तथा एंटीबायोटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो यह क्रीम दिन में एक बार लगाना बेहतर रहता है, और ज़्यादा आवश्यकता हो तो दिन में 2 बार भी लगाई जा सकती है। और जब आप सुबह में इस क्रीम को लगाते हैं तो इस धूप में आपको नहीं निकलना है, कुछ सेंसिटिविटी आपको हो सकती है। कोशिश करें जब इस क्रीम का प्रयोग ले तो बिल्कुल अफेक्टेड एरिया पर लगे, उससे ज़्यादा एरिया को कवर नहीं करें। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो इसे 5 दिन से लगाकर 7 दिन सामान्यतः लगाने की सलाह दी जाती है। और जब आप इसको केमिस्ट शॉप पे खरीदते हैं बिना डॉक्टर की सलाह तो मैक्सिमम इसको 14 डेज आपको लगाना है, 14 दिन से ज़्यादा इसे नहीं लगाना है। और कोई भी दूसरी स्टेरॉइड भी क्रीम आप 14 दिन से ज़्यादा नहीं लगाएं। और डॉक्टर अगर आपको एडवाइस करे तो इसे ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि वो साथ में कुछ और एड ऑन ट्रीटमेंट देते हैं जिससे आपको कम से कम समस्या करती है। और जिस जगह पर आप इस क्रीम को लगाए वहाँ पर किसी प्रकार के कपड़े से या किसी बैंडेज से इसको नहीं बांधे, आपको कुछ निशान या रेसेस हो सकते हैं। ये सभी सावधानी आपको रखनी है, और जिस प्रकार आपको डॉक्टर ने एडवाइस की सिर्फ उसी तरह से इस क्रीम को लगाना है, उतने दिनों तक ही लगाना है जिससे आपको कम से कम समस्या का सामना करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी मैंने बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में बताई है, उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी कवर कर ली है और सभी आपकी क्वारियाँ क्लियर हो गई होगी, और वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो किसी और के भी आपके दोस्त और फैमिली मेंबर्स के काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन ऐसे भी दबाएं जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप मेरे सभी देख सकें। आप तो अपने दोस्त मोहित आदि के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।